की हम बात करेंगे कि किन करेक्टर्स के बेस पे हम बोलते हैं कि ये चीज लिविंग है और किन करेक्टर्स के ऊपर हम बोलते हैं कि ये चीज जो है वो नॉन लिविंग है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो सबसे जो फर्स्ट करेक्टर आता है वो आता है ग्रोथ। फर्स्ट करेक्टर इज ग्रोथ। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज। व्हाट इज ग्रोथ? परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज, मतलब जो चेंज आए किसी भी बॉडी फॉर्म में, किसी भी स्ट्रक्चर में, जो परमानेंट हो और जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। सो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केस में ग्रोथ की बात करेंगे तो ग्रोथ का मतलब है कि कोई परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज आना किसी सेल में, किसी टिश्यू में, किसी ऑर्गन में, किसी ऑर्गेनिज्म में, या किसी पूरे कॉम्प्लेक्स बॉडी के अंदर जो भी परमानेंट और रिवर्सिबल चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं सर के ऊपर आपको बताया, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इस अर्थ के ऊपर क्या है, दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, एक है यूनिसेलुलर और दूसरे हैं मल्टीसेलुलर। अब जो यूनिसेलुलर हैं इनकी ग्रोथ अलग होएगी, जो मल्टीसेलुलर हैं इनकी ग्रोथ जो है वो अलग तरीके से होगी। अगर हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की, ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरियल सेल है, मैंने इसको न्यूट्रिशन मीडियम में रखा और आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद मैं अगर देखूं क्या ये बैक्टीरिया ग्रो किया या नहीं किया, तो अगर ये बैक्टीरिया 2 हो चुका है या 4 बैक्टीरिया सेल बन चुके हैं तो मैं बोलूंगा कि ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। दैट मींस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो होती है बाय इंक्रीज इन सेल नंबर, मतलब इनकी जो ग्रोथ है वो कैसे है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, इंक्रीज इन सेल नंबर। अगर एक सेल से 4 हो जाएं, 4 से 8 हो जाएं, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 हो जाएं, 64 से 128, इस तरीके से जब कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बढ़ता रहे तो हम बोलेंगे कि वो ग्रो कर रहा है। तो चाहे वो बैक्टीरिया हो सिंगल सेल, चाहे वो सिंगल सेल एल्गी हो, डायटम्स वगैरह हो, जो भी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, वो सभी का जो ग्रोथ है वो हम कैसे मेजर करते हैं, बाई इंक्रीज इन सेल नंबर। अगर नंबर सेल का बढ़ रहा है तो ग्रोथ हो रही है, नंबर सेल का नहीं बढ़ रहा तो 0 ग्रोथ है, नंबर सेल का कम हो रहा है तो नेगेटिव ग्रोथ है। अगर हम बात करें प्लांट्स की, एनिमल्स की, यहां बात किसकी हो रही थी, बैक्टीरिया की, अमीबा की, पैरामीशियम की, जो यूनिसेलुलर है। यहां पे अगर हम मल्टीसेलुलर प्लांट्स और मल्टीसेलुलर एनिमल्स की बात करते हैं तो यहां पे ग्रोथ जो होती है, क्योंकि इनके पास सेल्स तो पहले ही बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये मल्टीसेलुलर है, तो आप इनकी ग्रोथ को कैसे मेजर करोगे, सेल का नंबर काउंट करके आप नहीं करोगे, जैसे ही तो आप जो माइक्रोस्कोप के नीचे सेल का नंबर देखोगे कि कितने बैक्टीरिया पड़े हैं, कितने अमीबा पड़े हैं किसी वाटर के ड्रॉप में, तो वो आप बता दोगे कि वो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है या अमीबा ग्रो कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे ग्रोथ होती है बाई इंक्रीज इन सेल मास। यहाँ पे ग्रोथ को मेजर करने का तरीका है इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है, बाय इंक्रीज इन सेल मास। व्हाट इज सेल मास? टोटल ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज सेल मास। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मास बढ़ता है, नंबर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होता है सेल्स का पहले ही। यहाँ पे सेल मास नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अगर एक सेल है तो एक सेल में आप कितना कुछ ज्यादा ऑर्गेनिक मटीरियल एकोमोडेट करोगे, वो सेल में अगर ऑर्गेनिक मटेरियल बढ़ता जाएगा तो वो सेल तो बर्स्ट कर देगा, तो बर्स्ट करके तो वो सेल खत्म है। बट यहाँ पे मल्टी सेलर में सेल मास बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे सेल्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में आप डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल जो है वो स्टोर कर सकते हो, तो यहाँ पे स्टोरेज के लिए सेल्स आपके पास बहुत ज़्यादा है। तो दो तरीके से ग्रोथ होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम जो है वो ग्रो करते हैं, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास जो फर्स्ट करेक्टर है, करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो है ग्रोथ। ग्रोथ आप दोनों ऑर्गेनिज्म में अलग 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 है, यूनिसेलुलर में है बाय इंक्रीज इन सेल नंबर, मल्टीसेलुलर में है बाय इंक्रीज इन सेल मास। तो क्या हम ग्रोथ को माने कि ग्रोथ एक ऐसा करेक्टर है जिसके बेस पे मैं बोल सकता हूँ कि ये लिविंग है क्योंकि ये ग्रो कर रहा है,
और ये नॉन लिविंग है क्योंकि ये ग्रो नहीं कर रहा। तो ऐसा नहीं है, नॉन लिविंग चीजें भी क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। तो मतलब ग्रोथ एक डेफिनेट करैक्टर नहीं है जिसके बेस पे आप जाके बोलोगे कि ये ग्रो कर रहा है, ये लिविंग है, ये ग्रो नहीं कर रहा है, ये नॉन लिविंग है। ऐसा क्यों है, क्योंकि नॉन लिविंग चीजें जो है वो ग्रो करती हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बड़े बड़े माउंटेन्स बन गए, बड़े बड़े सैंड माउंट्स बन गए, तो वो जो सैंड माउंट्स बने हैं वो नॉन लिविंग हैं, वो जो माउंटेन्स बनी हैं वो नॉन लिविंग हैं, बट फिर भी वो ग्रो कर रहे हैं। तो अगर वो ग्रो कर रहे हैं तो नॉन लिविंग चीज़ें में भी क्या होता है, ग्रोथ होती है। हम ग्रोथ को डेफिनेट करैक्टर नहीं बोल सकते, डेफिनेट करैक्टर हम उसी को बोलेंगे लिविंग का जो सिर्फ लिविंग में है, नॉन लिविंग में है ही नहीं। वो करैक्टर सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास है, नॉन लिविंग के पास अगर वो करैक्टर नहीं है तभी उस करैक्टर को हम बोलेंगे कि दैट इज द डेफिनेट करैक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ग्रोथ इज नॉट ए डेफिनेट करैक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स कैन ऑल्सो ग्रो, फॉर एग्जाम्पल सैंड माउंट्स और माउंटेन्स की अगर हम बात करते हैं, बट दोनों की ग्रोथ में डिफरेंस है। अगर आप नॉन लिविंग की ग्रोथ की बात करोगे तो वो परमानेंट ग्रोथ कभी भी नहीं होती, वो रिवर्स हो सकती है। अगर मान लो मैं एक जगह पे गंदगी फेंकना शुरू कर दूं, 10 दिन में, 20 दिन में, एक महीने में वो गंदगी जो है वो एक जगह पे कॉम्प्लीट होती रहेगी और उसका लेवल जो है वो, उसकी जो ग्रोथ है वो होती रहेगी। बट एक दिन मैं अगर उसकी सफाई कर दूं, ऊपर से सब कुछ उठा दूं, तो वो ग्रोथ फिर से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब वो ग्रोथ जो है वो परमानेंट नहीं है। और दूसरा, वो अकोमोडेशन ऑफ मटीरियल है। मैं एक जगह पे एक चीज़ फेंकता गया तो वहाँ पर वो चीज़ अकोमोडेट होगी और वो बढ़ती गई। मतलब वो ग्रोथ बाहर से हो रही है। तो नॉन लिविंग चीज़ों की ग्रोथ पहले तो परमानेंट नहीं है, दूसरी वो अकोमोडेशन ऑफ मटेरियल है, एक जगह पे मटेरियल इकट्ठा हुआ है, तीसरा जो है आप उसको रिवर्स कर सकते हो, और चौथा डिफरेंस जो नॉन लिविंग की ग्रोथ में होता है वो बाहर से ग्रोथ होती है। हमारी ग्रोथ अगर आप लिविंग की बात करोगे तो हमारी ग्रोथ कहाँ से होती है, अंदर से ग्रोथ होती है। तो लिविंग चीज़ों की ग्रोथ इंटरनल है, नॉन लिविंग की एक्सटर्नल है। लिविंग की ग्रोथ परमानेंट रिवर्सिबल नहीं है, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, जितने लिविंग चीज़ ग्रो करेगी वो वापस रिवर्स नहीं होएगी। बट नॉन लिविंग चीज़ें अगर ग्रो कर रही हैं तो आप उसको रिवर्स क्या हो कर सकते हो। तो दैट इज द फर्स्ट करैक्टर जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है लिविंग और नॉन लिविंग को। बट फिर भी मैं ग्रोथ को डेफिनेट करैक्टर नहीं मान रहा, क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग चीज़ों में भी होती है। तो सेकंड करैक्टर जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास है, नॉन लिविंग के पास बिल्कुल भी नहीं है, दैट इज रिप्रोडक्शन। लिविंग चीज़ें रिप्रोड्यूस करती हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू यंग वंस, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। मतलब जो अपने ऑफस्प्रिंग्स जो हैं, इंडिविजुअल जो हैं, वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग है। और कोई भी नॉन लिविंग चीज़ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। अगर आपके सामने टेबल पड़ा है, अगर आपके सामने बेड पड़ा है, तो वो एक से दो कभी भी कुल नहीं हो पाएगा। तो जो लिविंग चीज़ आपके सामने है, अगर चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो कोई एनिमल हो, तो वो एक से दो, दो से चार जो है वो अपना नंबर जो है वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो अपने नए ऑफस्प्रिंग्स जो हैं, बेबीज जो हैं, वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज ए डेफिनेट करैक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसी नॉन लिविंग चीज़ नहीं है जो रिप्रोड्यूस नहीं करती। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो हम उसकी बात बाद में करेंगे। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बेसिक बात करें तो दो टाइप के रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके ऊपर मैंने अलग से एक लेक्चर बनाया हुआ है मेरे इस YouTube चैनल पे, जाके आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स, वहाँ पे जाके डिटेल में देख सकते हो। यहाँ पे मैं तो आपको सिर्फ ब्रीफ बताऊंगा कि रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप की है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ लिविंग चीज़ें एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं, कुछ लिविंग चीज़ें जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं। एसेक्सुअल मतलब यूनिपेरेंटल, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, इसका मतलब क्या होता है, बाईपेरेंटल। तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे, जैसे अमीबा की बात करते हो आप, तो अमीबा चला गया बाइनरी फ्यूजन में, तो अमीबा की बाइनरी फ्यूजन इज एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये पेरेंट सेल था, यहां से दो डॉटर सेल बन गए। आप कोई प्लांट लगा लो, अगर प्लांट है, रोज है, चाहे कोई और प्लांट है, आप उसकी कलम काट लेते हो, जिसको आप फ्रेगमेंटेशन बोल सकते हो।
तो अगर कोई प्लांट है वो फ्रेगमेंटेशन से एसेक्सुअली प्रोड्यूस कर सकता है, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो एसेक्सुअली प्रोडक्शन करते हैं फ्रेगमेंटेशन से करते हैं, जैसे प्लेनेरिया नाम का एनिमल है, अगर वो उसके उसको आप दो हिस्सों में कट कर दोगे तो दोनों हिस्सों से नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाएगा, तो दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता ही है बाइपेरेंटल है, मेल जो है और फीमेल जो है, फीमेल एग प्रोड्यूस करेगी, मेल स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, दोनों की फर्टिलेशन होगी, जायगोट बनेगा और वो जायगोट जो है वो नए इंडिविजुअल में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बड़ी बेसिक सी ये करेक्टर है रिप्रोडक्शन, जो लिविंग चीज़ें हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं, जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती। बट इसमें जो एक एक्सेप्शनल है कि ज़रूरी नहीं है कि जो लिविंग चीज़ें हैं वो रिप्रोड्यूस भी करें, ऐसा नहीं है कि कोई लिविंग चीज़ है और वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रही तो हम उसको बोलेंगे यार ये तो रिप्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो लिविंग ही नहीं है, ये तो जिंदा ही नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं, हस्बैंड वाइफ बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास अपने जो हैं ऑफस्प्रिंग्स जो हैं, जिनके जो बच्चे हैं वो नहीं हो सकते ड्यू टू एनी प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम इन देयर रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो वो अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लिविंग नहीं है, वो जिंदा है, उनके पास और बहुत सारे करेक्टर हैं जो लिविंग्स के पास होते हैं। तो एक्सेप्शन यहाँ पे हैं कि ज़रूरी नहीं है, अगर कोई चीज़ जिंदा है, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो रिप्रोड्यूस भी करे। इसमें दो तीन एक्सेप्शन हैं, जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, तो ये कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। अगर हम बात करें म्यूल की, म्यूल जो है वो कॉम्बिनेशन है, हमने हॉर्स और डोंकी को क्रॉस कर दिया, जब हॉर्स और डोंकी दोनों अलग स्पीसीज हैं, जब हॉर्स और डोंकी को क्रॉस किया तो हमारे पास एक हाइब्रिड बना, उस हाइब्रिड का नाम है म्यूल। ये म्यूल जिंदा तो है बट ये अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकता, अगर आपको दोबारा से म्यूल बनाना है तो दोबारा से हॉर्स और डोंकी को आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि म्यूल जिंदा नहीं है, सिर्फ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि वो स्टराइल है। म्यूल क्या होते हैं, स्टराइल होते हैं। वैसे ही एक एक्सेप्शन एग्जांपल है स्टराइल वर्कर बीज, हनी बीज की जब आप बात करते हो तो हनी बीज के पास तीन कास्ट होती हैं, ड्रोन्स, क्वीन तो हनीबीज में तीन कास्ट होती हैं, उसमें ड्रोन्स होते हैं जिनको हम मेल्स को ड्रोन बोलते हैं, फीमेल उसमें दो टाइप की होती हैं, एक तो क्वीन होती है एक फॉर्म के अंदर, दूसरी होती है वर्कर बीज जो आपको दिखती हैं पानी लेके जाती, जो आपको नेक्टर लेके जाती दिखती हैं, वो सारी क्या होती हैं, वर्कर बीज होती हैं। सिर्फ क्वीन एक ऐसी फीमेल है जो एग ले करेगी और अपने बच्चे पैदा करेगी। ये जितनी भी फीमेल हैं जो आपको काम करते दिखती हैं, ये सारी की सारी फीमेल क्या होती हैं, स्टराइल होती हैं। स्टराइल मतलब म्यूल के जैसे हैं, ये वर्कर बीज का काम सिर्फ काम करने का है, एग प्रोड्यूस करने का एबिलिटी जो है वो इनके पास नहीं होती। तो जिंदा है ये, इनके पास और लिविंग करेक्टर्स हैं बट ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो दीज आर द थ्री एक्सेप्शंस, यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन को इनके ऊपर ये जो डेफिनेट वाला टैग है वो नहीं लग सकता, क्योंकि ये तीनों ही क्या हैं, एक्सेप्शनल केस हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते बट फिर भी जिंदा है, क्यों जिंदा है, क्योंकि उनके पास और बहुत सारे करेक्टर्स हैं लिविंग्स के पास जो होते हैं। सो नेक्स्ट जो थर्ड करेक्टर की बात हम कर रहे हैं दैट इज मेटाबोलिज्म, जो नेक्स्ट करेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास, और ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है, ये एक डेफिनेट करेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि ये सभी लिविंग के पास होता है। रिप्रोडक्शन के जैसा नहीं कि बहुत सारे ऐसे लिविंग चीज़ें हैं जो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाते पर फिर भी वो जिंदा है, यहाँ पे ये है कि जो भी लिविंग है, चाहे वो अमीबा है, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे प्लांट है, चाहे कोई एनिमल है, वो सारे के सारे मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। अब व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड आवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। आपकी बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही हैं सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जैसे आपने खाना खाया, खाना डाइजेस्ट हो गया, दैट इज ए मेटाबॉलिक रिएक्शन। आपका जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करता है तो वो भी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। कोई भी रिएक्शन जो आपकी बॉडी में चल रही है वो सारी की सारी रिएक्शन जो एंजाइम कैटालाइज करते हैं तो उसको हम मिला के क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। आप इसको एनाबॉलिक रिएक्शंस और कैटाबॉलिक रिएक्शंस भी बोल सकते हो।
एनाबॉलिक रिएक्शन का मतलब होता है बिल्डअप प्रोसेस, जब छोटी छोटी चीजें मिलें और बड़ी चीज बन जाए। जब स्मॉल मॉलिक्यूल मिलके, सिंपल मॉलिक्यूल मिलके लार्ज मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है, तब हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। अगर आपको फोटोसिंथेसिस आपने अगर पढ़ा है कहीं 10th में या 9th में, तो उसमें आप पढ़ते थे कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल मिले, 6 वाटर के मॉलिक्यूल मिले, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो वाटर और कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल मिलके एक कार्बोहाइड्रेट बन गया, C6H12O6 जो एक कार्बोहाइड्रेट शुगर मॉलिक्यूल है वो बन गया। तो देखो कि अगर आप ध्यान से, तो कार्बन डाइऑक्साइड बड़ा सिंपल है, वाटर बड़ा सिंपल और स्मॉल मॉलिक्यूल है, दोनों ही सिंपल और स्मॉल मॉलिक्यूल, और मिलके क्या बन रहा है, लार्ज एंड कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। सो दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म, बिल्डअप, जब छोटी छोटी चीजें मिलके बड़ी चीज बन जाए, सो दैट इज एनाबॉलिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में मतलब स्मॉल चीजें मिलके बड़ी बन रही है वो एनाबॉलिक रिएक्शन है, और इसका उल्टा बिल्कुल, इसमें बड़ी चीज टूट जाए इसमें स्मॉल में, तो दैट इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिक रिएक्शन। जैसे लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, सिंपल एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स और सिंपल एंड स्मॉल सब्सटेंसेस, दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिक रिएक्शन। इसी रिएक्शन का रिवर्स है, ये अगर फोटोसिंथेसिस में ये हुआ तो रेस्पिरेशन में ये होता है। रेस्पिरेशन में आप उसी मॉलिक्यूल को, लार्ज जो कॉम्प्लेक्स और लार्ज मॉलिक्यूल है उसी को वापस तोड़ते हो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के अंदर, और साथ में क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है। अभी जो हमें कैरेक्टर पढ़ा था वो था मेटाबॉलिज्म, जो डेफिनेट कैरेक्टर है जो सिर्फ लिविंग के पास है, जो नॉन लिविंग के पास नहीं होता। और नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुले। स्टिमुलस क्या होता है, एक सिग्नल होता है जो बाहर से दिया जाता है, जैसे आपको कोई टच कर रहा है तो आप उसको रिस्पॉन्स करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुले। तो आपको बाहर से कोई भी सिग्नल मिले, चाहे मैकेनिकल मिले चाहे केमिकल, मैकेनिकल मतलब कोई टच कर रहा है, केमिकल गिर गया कोई तो वो एक केमिकल सिग्नल है, लाइट पड़ रही है तो फोटो के रिस्पॉन्स, फोटिक रिस्पॉन्स जो आते हैं वो लाइट को रिस्पॉन्स दिया जाता है, टेम्परेचर को रिस्पॉन्स करते हैं बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे वो टेम्परेचर को करें, चाहे वाटर को करें, चाहे वो किसी टच को करें, चाहे किसी केमिकल को करें, चाहे किसी फूड को करें। नॉन लिविंग चीज़ें रिस्पॉन्ड नहीं करती, नॉन लिविंग चीज़ों को अगर आप टच करोगे, कोई केमिकल गिराओगे तो वो कभी भी उसको वापस उसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्स एक्शन, अगर मान लो कोई भी किसी का भी हाथ है किसी नुकीली चीज़ के पास जा रहा है या आग के पास जा रहा है, अगर कोई मान लो बच्चा भी है जिसको पता भी नहीं है कि ये कोई जो चीज़ है वो नुकीली है और उसको लग जाएगी या वो आग है वो जल जाएगा, तो भी जैसे ही हाथ उसका उस आग के पास जाएगा वो अपना हाथ एकदम से पीछे खींच लेता है। मतलब उसको एक एक्सटर्नल सिग्नल मिला, चाहे तो वो अगर आग है तो उसको हीट मिली, अगर वो कोई पॉइंटेड नुकीला ऑब्जेक्ट है तो उसको वो मैकेनिकली उसको क्या हुआ, टच हुआ। तो जैसे ही उसको टच हुआ उसने अपना हाथ क्या किया, पीछे खींचा। सो दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। व्हाट आर रिफ्लेक्स एक्शन? ऑटोनॉमिक एंड क्विक रिस्पॉन्स टू एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ऐसा रिस्पॉन्स जो बड़ी जल्दी आता है और जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती। चलो सिर्फ एक एग्जांपल है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लांट्स भी रिस्पॉन्स करते हैं, एनिमल्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो और अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर आप कोई गर्मी में काम कर रहा है, जैसे मजदूर है या कोई भी है जो ज़्यादा गर्मी में काम करते हैं, उनकी जो स्किन है वो डार्क हो जाती है। मतलब जो बाहर धूप है तो धूप में जो सनलाइट है उसमें जो यूवी रेज हैं उसको उस पर्सन की स्किन रिस्पॉन्स कर रही है, क्योंकि उसके पर्सन ने जो स्किन के अंदर पिगमेंट है मेलानिन वो ज़्यादा बना लिया है। इसीलिए ज़्यादा बनाया क्योंकि वो जो यूवी लाइट है उसमें वो उसके सेल्स को डैमेज ना कर दे। तो दैट मीन्स ये एक अलग तरह का, ये भी एक रिस्पॉन्स है कि बाहर से धूप पड़ी। जितनी ज़्यादा आपने देखा होगा कि जो मजदूर ज़्यादा धूप में काम करते हैं उनकी स्किन का कलर बहुत डार्क होता है, और जो ठंडे इलाके में रहता है या एसी में रहता है उतना बाहर नहीं जाता धूप में, तो उनकी स्किन का कलर जो है वो फेयर होता है क्योंकि उसमें मेलानिन कम होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर आप प्लांट्स को भी देखोगे, प्लांट्स के केस में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं कि प्लांट्स भी लाइट को रिस्पॉन्स करते हैं। अगर आप सनफ्लावर की बात करते हो तो सनफ्लावर किस डायरेक्शन में बेंड करता है, उसी डायरेक्शन में घूमता है जिस डायरेक्शन से क्या आ रही है, लाइट आ रही है। सो दैट मीन्स वो भी एक रिस्पॉन्स है किसको, लाइट को। तो रिस्पॉन्स किसी भी चीज़ को हो सकता है, लाइट को हो सकता है, टच को हो सकता है, केमिकल को हो सकता है। सो दैट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। और कोई भी नॉन लिविंग चीज़ ऐसा नहीं करती है, कोई भी अगर टेबल पड़ा है आपके पास तो वो धूप को, टेम्परेचर को, टच को कभी भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा।
ये थे अभी तक हमने जो पढ़े हैं कैरेक्टर्स, मेन मेन कैरेक्टर्स मैंने आपको बता दिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास होते हैं, नॉन लिविंग के पास नहीं होते। आगे नेक्स्ट हम छोटा सा टॉपिक आज इस लेक्चर के साथ डिस्कस करेंगे, जो बाकी का बीच का पार्ट है वो मैंने मिस किया इस चैप्टर का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। बट इसमें जो एक छोटी सी बात आपको समझाने वाली है वो है टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, कि टैक्सोनॉमी कैटेगरीज क्या होती हैं, व्हाट इज टैक्सोनॉमी, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, व्हाट इज नोमेनक्लेचर। तो टैक्सोनॉमी की जब भी हम बात करते हैं, ये बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप क्या करते हो, कोई नया इंडिविजुअल जो है या कोई ऑर्गेनिज्म जो है या नई स्पीसीज की अगर हम बात करें तो स्पीसीज को आप आइडेंटिफाई करोगे, आप उसको क्लासीफाई करोगे और उसका आप नाम रखोगे, उसको नोमेनक्लेचर उसका करोगे आप। मतलब इस अर्थ के ऊपर जो डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी स्पीसीज इस अर्थ के ऊपर हैं। अगर आपको स्पीसीज का पता है, अगर हम स्पीसीज की बात करते हैं तो स्पीसीज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर वेरी सिमिलर इन देयर मॉर्फोलॉजी, इन देयर एनाटॉमी, इन देयर फिजियोलॉजी। तो उसको हम स्पीसीज बोलते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो है जिनका मॉर्फोलॉजी सेम है, मतलब दिखने में सेम है, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी सेम है, मतलब उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, उनके इंटरनल ऑर्गन सेम ही तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम सारे ह्यूमंस की बात करें, सभी ह्यूमंस की मॉर्फोलॉजी सेम है, हम सभी एक ही जैसे दिखते हैं, सेम हमारी जो बॉडी की स्ट्रक्चर है। ये बात अलग है कि फेसेस अलग अलग हैं, फेसेस आपके सेम नहीं होते, बट फिर भी हम जनरल बॉडी फॉर्म की बात कर रहे हैं तो सारे ह्यूमंस एक जैसे दिखते हैं। आपका अगर सभी ह्यूमंस का हार्ट देखा जाए तो सेम है, एनाटॉमी सेम है, हार्ट देख लो, आप लिवर देख लो, पैनक्रियास देख लो, बिल्कुल सेम है, काम भी सेम कर रहे हैं। तो वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच हैव सिमिलर मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड हु कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली इन नेचर टू प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वंस इज नोन एज स्पीसीज। स्पीसीज की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अगर हम मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी वगैरह निकाल भी दें वो जरूरी नहीं है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हु कैन रिप्रोड्यूस और इंटरब्रिड फ्रीली इन नेचर टू प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वंस। जो ग्रुप है एक जैसे ऑर्गेनिजम्स का और वो आपस में इंटरब्रिड करें और जो अपने बच्चे जो हैं वो क्या कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें, और वो बच्चे ऐसे होने चाहिए जो आगे चल के अपने नए इंडिविजुअल क्या कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें, उसी को हम बोलेंगे कि ये एक स्पीसीज के मेंबर हैं। ऐसी बहुत सारी स्पीसीज इस अर्थ के ऊपर हैं, जो गुरु नानक देव जी है उन्होंने भी बोला था कि 84 लाख जून है, तो वो जो 84 लाख जून है उसका मतलब है 7 to 8 million स्पीसीज इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हो सकती हैं। हम सभी को नहीं जानते, जानने का मतलब है हम सबको बाय नेम नहीं जानते, बाय हैबिटेट नहीं जानते कि कौन चीज़ कहाँ रह रही है। अप्रॉक्सीमेट फ्रॉम 7 to 8 million स्पीसीज विच माइट बी प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ, हम उसमें से सिर्फ 2 million स्पीसीज को अभी तक जान पाए हैं, उसमें सारे प्लांट्स भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए। तो उन सभी प्लांट्स को हम जानते हैं, बाय नेम जानते हैं, साइंटिफिक नेम जानते हैं। एक तो होता है कॉमन नेम कि आपने कॉमन नाम रख दिया, एक है साइंटिफिक नेम, जैसे हमारा नाम है होमो सेपियंस, मैंगो का नाम है मेंजीफेरा इंडिका, तो वो है नोमेनक्लेचर। हमने जिस भी स्पीसीज को जान लिया कि ये स्पीसीज प्लांट की है, ये यहाँ रहती है, इसके ये करेक्टर हैं, ये एनिमल है, ये बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई का ये कलर है, इसके ये करेक्टर्स हैं, उसका हमने नाम रख दिया, बहुत सारे एनिमल्स के हमने नाम रख दिए, सभी के नाम क्या रखे, साइंटिफिक नेम। तो वो किसने किया है, टैक्सोनॉमी का काम है। आप नई नई स्पीसीज को ढूंढते रहोगे, मान लो आपको रास्ते में कोई ऐसा बर्ड दिख गया, कोई ऐसा इंसेक्ट दिख गया, या ऐसा कोई प्लांट दिख गया जो आपने कभी देखा ही नहीं था, तो अगर आपने वो प्लांट, इंसेक्ट और एनिमल नहीं देखा था तो वो आपके लिए नया है, मतलब वो न्यूली आइडेंटिफाइड है। तो आप क्या करोगे, उस ऑर्गेनिजम्स को हम आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। 8 million है मैंने आपको बोला है, 80 लाख के करीब है, तो हम तो सिर्फ 20 लाख को जानते हैं। धीरे 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 जैसे जैसे टैक्सोनॉमी जो है, वो टैक्सोनॉमिस्ट जो हैं, साइंटिस्ट बढ़ते जाएंगे, उन स्पीसीज का नंबर जिनको हम जानने लगेंगे उनका नंबर भी बढ़ता रहेगा। तो हम सबसे पहले नई स्पीसीज को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स को उनकी कैटेगरी में रखना, क्लासिफिकेशन स्टडी को बड़ा इजी कर देती है। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि आपको, मैं बोल रहा हूँ ऑर्गेनिज्म, आपको क्या पता मैं किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ, मैं किस एनिमल की बात कर रहा हूँ या मैं किसी प्लांट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्लांट भी ऑर्गेनिज्म है, एनिमल भी है। बट अगर मैंने बोला प्लांट,
तो आपका ध्यान सिर्फ प्लांट पे जाएगा, एनिमल्स के ऊपर नहीं जाएगा। तो आपके लिए एनिमल्स को आप छोड़ दोगे, सिर्फ किस पे ध्यान दोगे? प्लांट्स पे। या अगर मैंने बोला एनिमल्स तो आप प्लांट्स को छोड़ दोगे, आप किसके ऊपर ध्यान दोगे? एनिमल्स। पर अब एनिमल्स भी बहुत सारे हैं, मैं फिश की बात कर रहा हूँ, डॉग की बात कर रहा हूँ, मंकी की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, इंसेक्ट की बात कर रहा हूँ, ये आपको नहीं पता। तो जो क्लासिफिकेशन है वो आपको बताएगी कि मैं किसकी बात करूँगा। अगर मान लो मैंने बोला किंगडम एनिमेलिया और उसके में मैंने आपको बोल दिया कि क्लास मैमलिया है, मैमल्स हैं, हम सारे मैमल्स हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे हेयर हैं, जो भी बच्चों को सीधा जन्म देते हैं, इनके पास मेमोरी ग्लैंड है, मतलब जो अपने बच्चों को मिल्क फीड करती है मदर, उसको हम मैमल्स बोलते हैं। तो अगर मैंने मैमल बोला तो आपके ध्यान से सारे एनिमल हट जाएंगे, सिर्फ वही एनिमल आएगा जिसके पास मेमोरी ग्लैंड है, जिसकी बॉडी पे हेयर है और जो अंडे नहीं देते, जो अपने बच्चों को सीधा डायरेक्ट बर्थ देते हैं। तो क्लासिफिकेशन आपकी स्टडी को क्या कर देती है? बहुत इजी। तो मैंने वर्ड बोलना है मैमिलिया, या मैंने वर्ड बोल दिया, मान लो मैंने वर्ड बोल दिया एग्स बोल दिया या बर्ड्स बोल दिया, तो बर्ड्स के ऊपर आपका ध्यान जाएगा, बाकी सारे एनिमल से आपका ध्यान हट जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। हमारे पास 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, ऊपर ले लेवल से लेके बिल्कुल अपर लेवल से लेके हमारे पास लोअर लेवल तक कैटेगरीज हैं। उन कैटेगरीज के ये 7 नाम आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। ये क्लासिफिकेशन की 7 कैटेगरीज हैं। ये किसके अंदर आती हैं? सारी क्लासिफिकेशन के अंदर। सबसे अपर कैटेगरी होती है किंगडम। ये जो आपको नीचे लिखा दिख रहा है साइड में, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, ये याद करने के लिए है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एक्चुअल में ये हैं। तो कीप का जो है वो के से याद रखना है किंगडम, पॉट पी से याद रखना है फाइलम, क्लीन से याद रखना है क्लास, अदरवाइज के ओ से है ऑर्डर, फैमिली फैमिली, गेट जी से है जीनस, सिक का मतलब है ऐसे स्पीसीज। तो ये तो सिर्फ आपके याद रखने का एक फॉर्मूला है, ये एक्चुअल में नहीं लिखना है आपने। एक्चुअल कैटेगरीज हमारे पास क्या है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। क्यों ये आपको याद करवाया जा रहा है इसी सीक्वेंस में? क्योंकि आप इसको ऊपर नीचे नहीं लिख सकते। ऐसा नहीं कि आपने ऑर्डर यहाँ लिख दिया, फाइलम नीचे है, स्पीसीज ऊपर घूम रही है। इसको इसी सीक्वेंस में लिखा जाता है। किंगडम सबसे अपर कैटेगरी है, स्पीसीज सबसे लोएस्ट कैटेगरी है। इन कैटेगरीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किंगडम होता क्या है, फाइलम क्या होता है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीसीज मैं आपको बता चुका हूँ। स्पीसीज ग्रुप होता है एक ही जैसे ऑर्गेनिजम्स का, जिनकी मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और जो अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं, उसको हम एक स्पीसीज के मेंबर बोलते हैं। अगर आपको ध्यान रहेगा, हम जब लिविंग क्रिएचर्स की बात करें तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डंकी और हॉर्स को जब हमने क्रॉस किया तो म्यूल पैदा हुआ। तो म्यूल अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डंकी अलग स्पीसीज है, हॉर्स अलग स्पीसीज है, हमने ह्यूमंस ने ऐसा किया। नेचर में ऐसा नहीं होता, डोंकी और हॉर्स नेचर में कभी भी आपस में मेट नहीं करेंगे। हमने अपने फायदे के लिए उनको मेट करवाया ताकि उनसे म्यूल प्रोड्यूस हुआ। जो म्यूल है वो स्टेराइल इसीलिए निकला, वो अपने बच्चे इसलिए पैदा नहीं कर सकता क्योंकि हमने दो स्पीसीज को मिक्स कर दिया। स्पीसीज का मतलब ही ये होता है कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। डोंकी डोंकी के साथ ही मेट करेगा तो डोंकी जो नया प्रोड्यूस होगा वो अपने बच्चे पैदा करेगा। हॉर्स हॉर्स के साथ ही मेट करेगा तो नया हॉर्स जो पैदा होगा वो अपने बच्चे पैदा करेगा। जब आप दो स्पीसीज को क्रॉस कर दोगे तो वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से या तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस ही नहीं होगा, और अगर हो गया गलती से तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो फर्टाइल नहीं होएगा, वो क्या होएगा? स्टेराइल होएगा, वो अपने बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा। तो इन कैटेगरीज के अंदर हम मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया है। सबसे ऊपर की कैटेगरी से हम शुरू करेंगे किंगडम से। 5 किंगडम हैं, मोनेरा जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, पोर्टिस्टा जिसमें आपके अमीबा पैरामीशियम वगैरह आते हैं, उसके बाद फंजाई है जिसमें फंगस आती है, प्लेंटी है, एनिमेलिया है। तो किंगडम प्लेंटी में सारे प्लांट्स रख दिए हमने क्योंकि सारे प्लांट्स एक जैसे हैं, और किंगडम एनिमेलिया में सारे हमने क्या रख दिए? एनिमल्स, क्योंकि सारे एनिमल्स के पास जनरल करेक्टर्स कुछ ऐसे हैं सब में जो एक जैसे हैं। तो फंजाई के पास अलग करेक्टर हैं तो वो तीसरे किंगडम में है, किंगडम फंजाई में। बैक्टीरिया बिल्कुल अलग है, सिंगल सेल है तो
उसको हमने कहाँ रखा है, किंगडम मोनेरा में, जो फर्स्ट किंगडम है। और सेकंड किंगडम ऐसा है कुछ जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। वो सारे किंगडम हमने पांच क्यों बनाए, पांचों किंगडम के क्या क्या करेक्टर्स हैं, ये फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, सबकी बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।